भगवान का भजन कैसे हो सकता? देखो, भगवान के बारे में कौन बता सकता? गोस्वामी जी फिर कहते हैं, ए हा जान बिनु न हो ये परती, बिनु परतीत हो ये नहीं प्री। ए हा जान बिनु न हो ये परती, बिनु परतीत हो ये नहीं प्री। ए हा श्री राम जय राम जय कौन जान सकता? अरे जिसे भगवान जना दे वही जान सकता। गोस्वामी जी फिर कहते, ए हा वही जान है जे है देह जना, जिसे भगवान जना देवे। भगवान जिसे जना देवे वो भगवान को जान सकता है, लेकिन जो भगवान को जान जाएगा वो होगा कैसे? जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को जानने वाला भगवान के जैसा ही हो जाता है। अच्छा महाराज, इस बात को कैसे सिद्ध करें? ऐसे करो, आपने गांव में देखा होगा कुछ लोग तांत्रिक होते हैं, मंत्र फूकने वाले, भूत को जगाने वाले। कई लोग तांत्रिक होते हैं, जो जिसकी पूजा करता है उसकी शकल भी वैसे ही हो जाती है। तांत्रिकों की शकल देखोगे दूर से डरावनी, एकदम अजीब टाइप की। लेकिन दिल्ली के पास में एक मंदिर है हनुमान जी का। हमारे दादा गुरु जी बताते थे कि वो बचपन से हनुमान जी के भक्त थे, तो दिखने में तो बड़े अच्छे थे, लेकिन हनुमान जी की पूजा करते करते उनकी शकल भी बंदरों जैसी हो गई थी, मुख भी लाल हो गया था और उनके रोएं भी सफेद हो गए थे।